नमस्कार, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। दोस्तों आपको पता है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में बहुत सारे जिलों में पद खाली रह गए हैं। और दोस्तों काफी सारे विद्यार्थी बार बार कमेंट करके भी पूछ रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं। और दोस्तों सभी विद्यार्थियों के मन में डाउट बना हुआ है, और खासकर वे विद्यार्थी जो सिलेक्शन से सिर्फ एक या दो अंक दूर है, उनके मन में ये सवाल बहुत तेजी से घूम रहा है कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, यानी क्या अभी भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है वेटिंग लिस्ट आने पर। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की वेटिंग लिस्ट से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपके सभी डाउट दूर होने वाले हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपकी सभी समस्याओं का हल किया जाता है। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तथा राजस्थान पुलिस भर्ती की संपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, फिर दबाते इस प्रकार से उस पास में जाएगा बेल आइकन। अब आप इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इसे भी ऑन कर दें ताकि जो भी हम राजस्थान पुलिस का वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। अब देखें दोस्तों सबसे बड़ा सवाल कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी। तो दोस्तों देखिए एक बार हम मान लेते हैं कि राजस्थान पुलिस की वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट आने पर होगा क्या, आप सभी को पता है, होगा ये कि पहले उन सभी विद्यार्थियों का जिनकी वेटिंग लिस्ट मान लो आई लिस्ट जारी की गई कि ये विद्यार्थी वेटिंग लिस्ट में है, अब इन दोस्तों फिर उन सभी के फिजिकल करवाए जाएंगे, उसके बाद में दोस्तों उनके मेडिकल करवाए जाएंगे, यानी दोस्तों ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। और दोस्तों हम आपको बता दें वेटिंग लिस्ट ज्यादातर उन भर्तियों में आती है जिनमें फिजिकल रिटन एग्जाम से पहले होता है। और मान लो जब वेटिंग लिस्ट सरकार जारी करती है कोई भी विभाग, तो तुरंत थोड़े से विद्यार्थियों को और बुला लेता है और उनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट करवा देता है। इस प्रकार से वेटिंग लिस्ट का प्रोसेस होता है। लेकिन दोस्तों राजस्थान पुलिस की भर्ती में पहले यहां पर आपका फिजिकल नहीं हुआ है, पहले आपका रिटन एग्जाम था। तो अगर सरकार मान लो वेटिंग लिस्ट जारी करती है या राजस्थान पुलिस विभाग, तो दोस्तों बड़ी मुश्किल होगी और दोस्तों इसीलिए यहां पर आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली है। और दोस्तों इससे संबंधित ऑफिशियल न्यूज भी कुछ दिनों पहले आ चुकी थी। उस न्यूज में बताया गया था कि लगभग 1500 से 1800 पद राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में खाली है। और दोस्तों ये बात सच भी है, 1500 से भी अधिक पद राजस्थान पुलिस की भर्ती में खाली रह गए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनका बयान आया था कि हम वेटिंग लिस्ट है वो जारी नहीं करेंगे। और आपके अपने चैनल स्टडी जॉब लाइन ने ये न्यूज आपको सबसे पहले दी भी थी। लेकिन इसलिए दोस्तों अब ये बात बिल्कुल साफ साफ है कि जो पद खाली रह गए हैं, अब ये जो राजस्थान पुलिस की मान लो अगली भर्ती आएगी, चाहे वो कितने दिनों बाद आए, एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद, ये पद है वो उस भर्ती में जुड़कर ही आने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हुए और बिल्कुल भी अपनी तैयारी कम मत करें। जो अन्य भर्तियां निकल रही हैं 2018 के अंदर, बहुत सारी आरपीएफ, जीडी, ग्रुप डी, आप उनकी एग्जाम की आसानी से तैयारी करेंगे तो दोस्तों आपका उनमें सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप राजस्थान पुलिस वाली इस भर्ती के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप अपनी पढ़ाई में यहाँ पर बाधा खुद ही उत्पन्न कर सकते हैं। और दोस्तों वैसे आपको पता है यहाँ पर भर्ती सुप्रीम कोर्ट में भी गई है, तो उससे जुड़ी पल पल की अपडेट भी अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। काफी सारे विद्यार्थियों के मन में समझे डाउट था, इसलिए वीडियो हमने बनाया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में फैला दीजिए ज्यादा से ज्यादा। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपके मन को अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आप हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।